स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन। पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। पंपोर शहर के टाउन हॉल में आज एक ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिला विकास आयुक्त पुलवामा डॉक्टर राघव लंगर ने पंपोर के विभिन्न हिस्सों से लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जिला विकास आयुक्त को पानी, बिजली और सड़कों के अलावा अन्य समस्याओं से अवगत कराया। विकास आयुक्त ने अधिकारियों के साथ प्राथमिकता के आधार पर लोगों की चॉइस मांगों को हल करने के लिए कहा। कार्यक्रम में जिला विकास आयुक्त पुलवामा डॉक्टर रघु लंगर, एडीसी अवंतीपोरा, जफर हुसैन शॉल, एफजन पीडीडी मोहम्मद अल्तफ, तहसीलदार पंपोर इश्तियाक मोहिउद्दीन और अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला विकास आयुक्त पुलवामा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से लोग अधिकारियों तक पहुँच सकते हैं, ताकि लोग संबंधित क्षेत्रों की शिकायतों को प्रशासन तक ले जा सके और उनकी मांगों को पूरा किया जा सके और उनकी सुपरविजन के लिए कोई नहीं। इस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि उनके लिए सिलेटर हाउस तामीर किया जाए। मेरा रक्त पेशेंट है पटवारी के पास, शेखुल आलम काली में हो गया सर। मेरा सेटलमेंट में काम मेरा था छह कनाल नौ मरा, सेटलमेंट में आया चार कनाल दो ही मरा, मगर पटवारियों ने ये मेरा ज़मीन बेच दिया। मेरा ही नहीं, ये माइग्रेंट ज़मीन भी था वहाँ पर सर, वहाँ ध्यान लगा ये कहाँ है, वरना मुझे पता ही नहीं था मेरा ज़मीन तो हो क्या गया। इसमें इनकी सर डिमार्केशन करनी है, नायब साहब के पास केस पेंडिंग है, तो लेकिन बर्फ की वजह से वो रुक गया, बर्फ हटेगी तभी डिमार्केशन होगी सर, तो इसमें कुछ दिन इसको वेट करना। तीसरे महीने में हमने एक फाइल किया था कि मेरी एक ज़मीन एक जगह एनक्रोचमेंट हो गई है, मेरी इंटैक्ट भी ज़मीन है, उसमें से एक 17 मरला का एक जगह थी वो सेपरेट थी मेरी ज़मीन से। कहाँ? मोंगामा। हाँ मोंगामा में सर। तो मैं मेरे को ज़रा व्हाट्सएप करो नंबर के समय। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। करो नंबर देना इसको, मेरा नंबर नंबर फिर नोट 9419 20 बना। तथा कौर तहसीलदार दिता जमीन रेत तथा गई तकरीबन 5 लाख पोस द्रमितिस कम स्टार्ट कर तम स्टार्ट कह लैंड आइडेंटिफाई कर तहसीलदार वनिक तम ना लज नम कम इत दसला आब खसान तथ जंगल एरिया ना तथा गुजर खान एरिया तथा ट्रांसफार्म तक कहें टेल एंड है इसका, वो अंदरूसा विलेज है, वहाँ सर एक मतलब ना हैबिटेशन बिल्कुल क्लोज है, रोड विड्थ भी कम है, करीबन 12-13 फुट से कम है। हमें वहाँ ड्रेन प्रपोजल किया था, वो रोड भी खराब है, रोड पर नहीं, लेकिन जो इनहेबिटेंट्स है वो चाहते हैं कि ड्रेन बनाने के बजाय या अपग्रेडेशन की बजाय इसकी वाइडनिंग होनी चाहिए। वाइडनिंग में सर एक चीज़ है कि वहाँ वॉल्स आते हैं लोकल की। फिर मैंने तहसीलदार साहब से भी टेकअप दिया था, थोड़ा हेल्प करेगा मुझे ताकि वो हम एनक्रोचमेंट हटाएंगे शायद अप्रोच रोड छोटी है, उसमें ड्रेनेज का कोई वो है नहीं। असली मेन रोड गोंडबल में है सर, दूसरे रोड में। जब उस तरफ जाओगे तो इनका भी दिखवा लो गोंडबल से अंदरूसा जो बता रहे हैं। 10 साल बराबर दिखवा लो।